वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ न है और न अब होने का ही है।
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहाँ करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसीलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।